हेलो दोस्तों, हम आए हैं रमन रेती। पहली बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरे परवीन है और पवन भाई हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा चिड़ियाघर है जिसमें हिरण है। और भी आगे दिखाता हूँ आप लोगों को, आते रहिए मेरे साथ, बनते रहिए इसी ब्लॉग में। और ये देखिए बहुत सारी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हिरण है, ये देखिए कितने लंबे सींग है। मैंने हाथ लगाया, वो बेचारा डर गया। परवीन बोल रहा था कहीं खा ना जाए, मैंने कहा नहीं खाते भाई। अब देखिए और दिखाते हैं अंदर, इसमें कबूतर भी हैं और खरगोश भी हैं। अंदर दिखाते हैं, दिखाओ भाई इनको कैमरामैन। ये देखिए बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा यार, यहाँ पे बहुत ही हिरण है। आप लोग भी आइए घूमने के लिए। ये हम हाथ लगा रहे हैं दोनों, देखो बहुत ही प्यारे यहाँ पे हिरण हैं। और फिर जाएंगे अभी हम अंदर मंदिर की तरफ। अभी हम मंदिर नहीं गए, अभी हम बाहर ही हैं, रोड पर है, ये मंदिर के सामने पड़ता है। और देखिए आइए और आगे दिखाते हैं, बहुत सारे हैं हिरण यहाँ पे। रमन रेती दाव जी, ये देखो खूब सारे हिरण हैं, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे घूमने के लिए। तो मैं हाथ लगा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो डर रहा है बेचारा हिरण। अब हम जा रहे हैं, आइए आप लोगों को अंदर ले चलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर का गेट है, यहाँ से प्रवेश करते हैं। अब आइए आइए, अब आपको अंदर ले चलते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, खूब सारी पब्लिक मिलती है यहाँ पे, बच्चे आते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, रमन रेती मैया के दर्शन भी करते हैं। आइए आप लोगों को भी कराते हैं रमन रेती मैया के दर्शन। बस थोड़ा सा सब्र और करिए, बस अब हम अंदर और ज़्यादा अंदर प्रवेश चलेंगे। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो ही है मंदिर मैया का। अब देखिए अब हम इधर जाएंगे, ये घंटा है, इसको कोई हिलाता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जाकर क्योंकि बहुत ही भारी है। अरे वाह, मेरा तो हाथ लग गया लेकिन पड़ोस में जो है उनका हाथ ही नहीं लगा है बेचारे, क्या करें। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब हम चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। मंदिर तो उधर रहेगा भाई, इधर जा रहे हैं क्योंकि इधर बोलते हैं ये हाथी नहीं है, ये राधा रानी है इनका नाम, जो कि जब आरती होती है तो ये अपने सूंड से घंटी हिलाती हैं। ये देखो घंटा बजाती हैं, ये देखो बहुत ही अच्छा किया। हम शाम को आए थे 3 बजे के बाद, तो हमको आरती देखने को मिली, आप लोगों ने भी देखा, यहाँ पर डेली यही होता है। और दिखाते हैं आप लोग, ये परवीन आ गए, फिर पवन आ गए। पवन जब से कैमरा चला रहे थे, अभी हमने सेल्फी वाले स्टैंड में कर लिया है। अब हम आ जा रहे हैं अंदर, अब आपको कराते हैं दर्शन, ठीक है भैया के दर्शन कराते हैं अंदर। बस थोड़ी देर और रुकिए क्योंकि यहाँ पे आरती हो रही थी ना अभी। चलिए चलिए, बोलिए राधा रानी की जय, जय हो रमन रेती मैया की। तो मैं यहाँ से सामने वाले कैमरे से दिखा रहा हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे पा रही है, इसलिए मैंने पीछे वाला कैमरा कर दिया। ये देखिए बोलिए रमन रेती मैया की जय, ये देख लो भाई। अगर आप लोग नहीं आना चाहते हैं, कारणवश रह जाते हैं, तो आप इसमें देख कर दर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पहली बार घूमने के लिए आए, हम कभी नहीं आए, वैसे हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन मान लो 10-15 किलोमीटर दूर है। ये देखिए खूब सारी सेल्फियाँ ली जा रही हैं यहाँ पर, ये रहे वही जो राधा रानी में बता रहा था, मैं पास में आया हूँ, सभी को डर लगता है। ये देखिए घंटा बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे, बहुत बढ़िया। आप लोग भी आइए यार, बहुत ही इन्जॉय होता है यहाँ पर, एकदम शांति से सुकून मिलता है। और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को भी। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे वो चलता रहता है, खूब ब्लॉग बनाते हैं लोग यहाँ पे। ये अंदर देखिए, शाम को जब आरती होने के बाद थोड़ा कीर्तन सा होता है, तो उसमें पब्लिक अपना कितना आनंद ले रही है, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए वाह बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे बुजुर्ग भी डांस कर रहे हैं मंदिर में मैया के सामने, वाह बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आता है भाई। आप लोग आइए एक बार, बस यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बस एक बार। देखिए ये हैं जय हो रमन रेती मैया की जय। आप आइए यहाँ पे भाई दाऊजी घूमने के लिए, दाऊजी के पास पड़ती है ये मंदिर, चिंतारण महादेव जी यहीं पर ही हैं थोड़ी सी दूर। अब जा रहे हैं हम यहाँ ब्रज की रज में, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो काफ़ी पब्लिक जो है
ये बालू है यमुना जी की, इसको जब बदन पर लगाती हैं तो समझो दुख दर्द सब दूर हो जाता है। आगे दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ पे काफ़ी लेटे हुए हैं लोग, लेट जा अपने ऊपर डालते हैं, मलते हैं, तो एकदम शांति सुकून मिलता है। ये देखिए ऐसा लगता है जैसे आप बचपन में पहुँच गए हों। आप कोई मिट्टी में नहीं खेले ना तो यहाँ पे आ जाइए, आप लोगों को मिट्टी में खेलने को मिलेगा, कोई मना नहीं करता है, आपको एकदम अपना बचपन याद आ जाएगा भाई। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी बालू है ये आइए आप दिखाता हूँ, ये देखिए कितना आनंद ले रहे हैं इसमें ब्रज की रज में। जैसे मान लो कोई इच्छाधारी नाग नागिन अपना प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है भाई यहाँ पे। वो एक जोड़ा था, ये देखिए मैंने पूछा दीदी क्या बना रही हैं, तो दीदी ने बोला मैं कृष्ण जी बना रही हूँ। बहुत ही प्यारे बालू में कृष्ण जी बना दिए, क्या कलाकारी है आपकी, जय हो बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये देखिए यहाँ पे जैसे रामायण में ऋषि मुनियों की कुटियाँ होती थी, बिल्कुल वही है भाई। आप कहने ये पत्थर से नहीं बनी है, ये लकड़ी बाँस और जो वो होता है ना पूरा वगैरह होते हैं उनसे बनी है। ये देखिए कई ऋषि मुनियों, ये सारे ऋषि मुनि इसी में रहते हैं, दर्शन आप लोगों ये दिखाने के लिए नहीं है, रहते हैं ये इनके अंदर। अब हम जा रहे हैं भाई, थोड़ा बाहर निकलते हैं, हम वापस जा रहे हैं। तो अब हमारा ख़त्म हो चुका है ब्लॉग, अब हम जा रहे हैं बाहर। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।